हाथरस के सासनी में सफाई कर्मचारियों द्वारा चलाई जा रही कई दिनों की हड़ताल ने आज नया मोड़ ले लिया। धरने पर बैठे सफाई कर्मचारियों एवं प्रशासनिक अधिकारियों में हुई नोकझोंक। सफाई कर्मचारियों का आरोप है कि धरने के दौरान बाहर से सफाई कर्मियों को बुलाकर सासनी नगर में साफ सफाई कराई जा रही थी, जबकि अभी तक उनकी मांगों को नगर पंचायत सासनी द्वारा पूर्ण रूप से माना नहीं गया है। वहीं घटना की सूचना पा मौके पर पहुंचे क्षेत्राधिकारी ने भी सफाई कर्मचारियों से बातचीत की। इस दौरान नगर पंचायत सासनी के अध्यक्ष एवं सासनी उप जिला अधिकारी मौके पर मौजूद रहे। आज क्या घटनाक्रम हुआ है? आप सफाई कर्मी हैं, क्या मामला रहा है? मामला एक पत्रकार प्रश्न के, जैसे कि हमारा कर्मचारी अपनी न्यायोचित मांगों को लेके शांति प्रिय अपने धरना प्रदर्शन पर बैठा हुआ है और हमारे एचएम साहब द्वारा और हमारे चेयरमैन साहब द्वारा नगर में सफाई व्यवस्था रात में कराई जा रही थी, तो हम लोगों को मालूम चला कि नगर में सफाई व्यवस्था कराई जा रही है, तो हम लोगों ने आपसे काफी नोकझोंक हुई। उसके बाद नगर पंचायत कार्यालय में वार्तालाप हुई, लेकिन वार्तालाप में भी साफ नतीजा नहीं हुआ है, तो हमने अपने आला अधिकारियों को, जैसे हमारे सीओ साहब हैं और एसडीएम साहब हैं, हमारे एओ साहब हैं, चेयरमैन साहब हैं, तो उनको हमने सुबह कल 11 बजे का टाइम दिया है, क्योंकि हमारे सभी कर्मचारी यहाँ पे उपस्थित नहीं थे, तो हमने कल 11 बजे का उनको टाइम दिया है। कल 11 बजे क्या होता है उसके बाद में आपको पूरी रिपोर्ट फाइनल बताई जाएगी। कदम नहीं, क्या सफाई कौन किससे करा रहा था? प्रशासन बाहर के लोग बाहर के लोगों को काम कराने के लिए लाए थे अपनी हठधर्मी। कौन लेके आया था? पूरे फोर्स के साथ काम करने के लिए आए थे यहाँ नगर में रात्रि में, जबकि हम लोग अपने खाना पीना खा करके सो रहे थे, अपने शांतिपूर्वक धरने पे बैठे थे। ये बिल्कुल न्याय उचित बातें हैं। हमको धमकाया जा रहा है, हमको डराया जा रहा है, हमें अपने अधिकारों से वंचित करा जा रहा है, लेकिन इनके दिमाग में नहीं आ रहा है कि एक महीने का जो वेतन रुका है बार बार कर्मचारी को हार कर रहा है, लेकिन इनके कोई भी मतलब कान में जुआ नहीं रह रहा और ना ये देने की बात कर रहे हैं। एक महीने का कौन सा वेतन रुका है? पुराना काल का बार बार बोल कर पुराना काल का एक वेतन रुका हुआ है और सभी का रुका हुआ है, और कुछ ठेका प्रत कर्मचारी है उनका 3-3 महीने का रुका हुआ है, किसी का 14 महीने का रुका हुआ है। उन पे ध्यान ना दे करके वो अपनी अपनी बात कर रहे हैं कि हम पे ये है ये, लेकिन हमारे कर्मचारियों का जो रुका हुआ है उस बिंदुओं पे कोई बात नहीं कर रहा है। क्या समाधान आएगा? पैसा दिया जाएगा। अब क्या समाधान हुआ है? और दिया जाएगा, और कल सभी ने जो हमारे बीच में अधिकारी हैं सीओ साहब ने भेजे हैं और मतलब जो एसडीएम साहब बैठे हैं जिन्होंने काम कराने की कोशिश की थी, सभी कर्मचारी इन्होंने विरोध किया है, जब वो काम रोका है कि हमारे पेट पर लात मार रहे हैं आप कितने दिन इस फोर्स से काम कराएंगे, अगर कराना है तो इनसे कराइए, हमारा हिसाब कर दीजिए, लेकिन हम अपना अधिकार लेके रहे। गांधी चौक में क्या होता है? गांधी चौक में बाजार में जाके पूरी जनता को मतलब जो खिलाफ करने का काम, भड़काने का काम, जबकि हम लोग बड़ी शांति प्रिय से बैठे हुए हैं। किसने लिए आए? एसडीएम साहब मतलब लेके आए फोर्स को, पूरे को, ट्रैक्टर को लेके आए, प्रशासन के अपने रखे हुए हैं जिन पे अभी बातचीत हुई है, उनको समझाया गया है कि आप अपने काम पे लौटिए और जो भी जायज बातें हैं उनको अपने अपने उस कानूनी तौर पे रखिए, इस तरह से कोई बात नहीं रखी जाती है। तो अभी वो लोग गए हैं, कहें कि हम कल 11 बजे जो है कह करके गए हैं कि कल 11 बजे हम लोग इकट्ठे होंगे, उस पर बातचीत हो जाएगी, और जो हमारे चेयरमैन साहब ने बताया कि जो भी इनकी पिछली बातें थी उस पर सहजतापूर्वक विचार कर लिया गया है, और कल जो ये अपनी बातें रखेंगे उस पर भी विचार करके उनका निस्तारण करा दिया। सर, सफाई कर्मियों का ये कहना है कि बाहर से सफाई कर्मी ला करके सफाई कराई जा रही थी नगर पंचायत शासन, अभी मेरे आने के बाद तो ऐसा वहाँ पे कोई काम हो नहीं रहा था, और ये लोग उसका ये विरोध उनको सुनने में आया, चेयरमैन साहब एसडीएम साहब आए होंगे तो उनको सुनने में आया कि इस बात का विरोध करें कि कोई बाहरी कर्मचारी न लगाया जाए, और इसी बात को लेकर के वो वहाँ पे इकट्ठे हुए थे, उनके दिमाग में बात आई होगी, तो जैसे ही हम लोग पहुंचे बात शांत हो गई और वो आकर के ऑफिस में कार्यालय में उन लोगों ने बात किया, सरकार हम लोगों की बात सुन ली जाए और हमारी मांगों पे विचार किया। क्या इनकी मांगे जायज हैं सर? अब वो अपने वेतन के लिए बात कर रहे हैं, अभी ये हमारे चेयरमैन साहब नए बने हैं, इनका कहना है कि
हमारे समय से जो भी काम हो रहा है वो सही हो रहा है और पारदर्शी तौर पे हो रहा है, वो लोग भी मानने के लिए तैयार हैं कि हाँ इनके कार्यकाल में हमको समय से पहले। नगर पंचायत शासन में जो घटनाक्रम हुआ है, एसडीएम साहब के साथ जो नोकझोंक हुई है, आप भी थे क्या साथ में, क्या मामला है? मामला ये है कि इनकी मांगे तो सारी जायज है, जो पिछले सेशन से हमारे सेशन से पहले की इनकी लगभग 2-2.5 करोड़ रुपए की पेंडेंसी चली आ रही है, वो जायज है इनकी। उसके बावजूद हमने इनको 51 लाख रुपया इसमें दे दिया, जब से मैं बैठा हूँ उस समय से अब तक इनको 51 लाख रुपया दे दिया। दूसरा, इनको रेगुलर जो इनकी सैलरी रुकी थी वो भी पूरी दे दी। उसके बाद भी अब इनकी डिमांड ये थी कि सारा 1 करोड़ 40 लाख रुपया जो बकाया रह गया है उसे भी आज हमें पूरा करके दे दें, लेकिन ऐसा संभव नहीं है क्योंकि पैसे का अभाव है। मैंने इनको आश्वासन भी दिया था कि 3 महीने के अंदर अंदर हम आपकी इस पेंडेंसी को भी ख़त्म कर देंगे। और आज की जो घटनाक्रम है कि हम लोग यहाँ के जो लोग हैं उनकी डिमांड पर, क्योंकि ज़्यादा कूड़ा इकट्ठा हो गया था, तो यहाँ की पब्लिक के हिसाब से उन्होंने हमसे कहा कि भाई आप लोग बोर्ड के सारे लोग इकट्ठे हो जाए और हम लोग सब इकट्ठे हो जाए तो आप अपनी सफाई यहाँ से शुरू कर दें। बाहर का कोई व्यक्ति नहीं बुलाया गया, हमने सभी ने, बोर्ड मेंबरों ने और हमारे घर के लोगों ने और हमारे समाज के लोगों ने यहाँ से कूड़ा इकट्ठा करना शुरू कर दिया। इन्होंने आगे वहाँ हंगामा कर दिया, हालांकि इनको हंगामा करना नहीं था। वहाँ पे हमने एसडीएम साहब को बुला दिया, माननीय सीओ साहब को बुला लिया, इन्होंने उनके ऊपर भी ब्लेम लगाई कुछ, और फिर बैठ के हमने समझौता करने की कोशिश की। अब ये कल के लिए टाल गए। नहीं, उनका ये कहना है कि बाहर के सफाई कर्मी बुलाए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, कोई बाहर का कर्मचारी आ ही नहीं सकता इनका, क्योंकि इनकी एक यूनियन है पूरे प्रदेश लेवल पे चलती है, वहां से इनके कहने पे कोई भी आया नहीं। वो हमने आज से 5-3 दिन पहले बुलाई थी, उनको इन्होंने मारपीट करके भगा दिया। बाजी मांग इनकी एक ही है कि कोरोना काल में जो 1 महीने की वेतन है वो इनको इनको पता नहीं है कि कोरोना काल का पैसा हम इनको दे चुके हैं। जो पेंडेंसी रुकी हुई है इनकी पिछले महीने की रुकी हुई है, केवल दिसंबर महीने की इनकी पेंडेंसी रुकी हुई है। इनको यही पता नहीं है कि हम मांग क्या कर रहे हैं और है क्या है, इनको जानकारी का अभाव है। क्या निर्णय हुआ है? निर्णय अब सुबह के लिए कह गए कि हम सुबह 11 बजे अपनी हड़ताल को खोल देंगे और कुछ बातें और करेंगे हम इसी के संदर्भ में। सासनी से टीवी 30 इंडिया के लिए देव प्रकाश देव की रिपोर्ट।